नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन दिस सेकंड पार्ट ऑफ द एड्रेस और द सेकंड लेक्चर ऑन दिस टॉपिक. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द पैराग्राफ आई हैड रिमेंबर्ड इट. आई हैड रिमेंबर्ड इट. द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ दिस चैप्टर इज सेइंग दैट सी रिमेंबर द एड्रेस. उसे जो पता उसकी मदर ने बताया था उसे वो याद था. बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर. लेकिन उसने लंबे समय तक वेट किया उस पते पर जाने के लिए. इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट. द प्रोटैगनिस्ट ऑफ इट इज सेइंग इनिशियली शुरुआत में जब लिबरेशन उन्हें मिल चुकी थी उसके बाद सी वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर स्टफ. जो बिलोंगिंग्स उसकी मम्मी की जो दोस्त थी मिसेज डॉर्लिंग उसने अपने घर में स्टोर कर रखी थी उन चीजों में उसकी बिल्कुल रुचि नहीं थी. एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट. और दूसरा उसे उन चीजों से डर लगता था. Afraid of being confronted with things. अब ये डर कैसा था कि एक बार फिर से उसका उन चीजों के साथ आमना सामना होगा. That had belonged to a connection. जो कि एक कनेक्शन से संबंधित है, एक लिंक से संबंधित है. That no longer existed. जो कनेक्शन अब नहीं रहा है, जो कनेक्शन अब विद्यमान नहीं है, वे उस कनेक्शन से जुड़ी हुई चीजें थी, संबंधित चीजें थी. तो उन चीजों के सामने जाने से नैरेटर को, प्रोटैगनिस्ट को डर लग रहा था. दैट्स व्हाई सी हैड रिटन हियर आई वाज आल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट व्हिच वर हिडन अवे इन कपबोर्ड्स एंड बॉक्सेस एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन. दीज थिंग्स वर हिडन अवे इन कपबोर्ड्स. ये अलमारियों के अंदर छिपाकर रख रखी थी एंड बॉक्सेस और संदूकों के अंदर. एंड वेटिंग और इंतजार कर रही थी इन वेन होपलेस बेकार में ही अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन. ऐसे ही इंतजार कर रही थी वो दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन कि उन वो चीजें इंतजार कर रही थी कि उनको वापस अपने स्थान पे रखा जाएगा. बट इट डिडंट हैपन. ऐसा नहीं हुआ. विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज इयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स. और जिन्होंने इतने लंबे समय को सहन किया, इतने लंबे समय को, इतने सालों को सहन कर लिया क्योंकि ये चीजें थी. दे कुड अफोर्ड टॉलरेटिंग ऑल दीज ईयर्स. वे इतने लंबे समय को, इतने सालों को सहन कर सकती थी क्योंकि वो चीजें थी. बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि सारी चीजें जो थी फिर से नॉर्मलाइज होनी शुरू हो गई. ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर. जो ब्रेड था वो फिर से हल्के रंग का होने लग गया. यहां पे जो चीजें बोली गई बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन मीन्स जो नैरेटर की लाइफ में जो चीजें थी या नैरेटर की जो लाइफ थी वो फिर से नॉर्मलाइज हो गई. ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर. ब्रेड रोटी वो हल्के रंग की होने लग गई. देर वॉज ए बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड. और नैरेटर के पास, प्रोटैगनिस्ट के पास एक बेड था जिसपे वो सो सकती थी बिना डरे हुए. ए रूम विद ए व्यू यू आर मोर यूज टू ग्लांसिंग एट ईच डे. एक कमरा था जिससे बाहर का नजारा नजर आता था जिसके वो देखने की हर दिन उसमें से उस नजारे को देखने की वो आदी हो चुकी थी. एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट द एड्रेस. और एक दिन व्हाट हैपेंड. प्रोटैगनिस्ट ने देखा कि सी वॉज बिकमिंग क्यूरियस. वो
ज्यादा जिज्ञासु हो रही थी उन सभी पोजिशंस के बारे में, उन सभी बिलोंगिंग्स के बारे में, दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट डेस्क, जो अभी उसी पते पर होंगी, उसी पते पर रख रखी होंगी मिसेज डॉर्लिंग ने। आई वॉन्टेड टू सी दैम, नैरेटर कह रही है कि मैं चाहती थी उन चीजों को देखना, टच, छूना चाहती थी, रिमेम्बर, उन्हें याद करना चाहती थी। After my first visit in vain to Mrs. Dorling's house, I decided to try a second time. Protagonist कह रही है कि जो उसकी पहली विजिट थी वो बेकार गई थी। She became hopeless. Her first visit was hopeless to Mrs. Dorling's house. Then she decided again. फिर से उसने डिसाइड किया कि वो सेकेंड टाइम एक बार ट्राई जरूर करेगी, उस पते पर जाएगी। सी विल विजिट द एड्रेस एंड मीट मिसेस डॉर्लिंग टू क्लेम हर बिलोंगिंग्स बैक। नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी, द नैरेटर इज सेइंग कि इस बार एक 15 वर्षीय लड़की ने दरवाजा खोला व्हेन शी विजिटेड दैट एड्रेस। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वॉज एट होम, और नैरेटर ने पूछा कि उसकी मम्मी घर पे है। नैरेटर आस्क्ड हर इफ हर मदर वॉज एट होम, नो सी सैड, उस लड़की ने कहा नहीं, हर मदर इज नॉट एट होम, माई मदर्स डूइंग एन एरेंट, माई मदर्स डूइंग एन एरेंट, मेरी मम्मी किसी काम से बाहर गई है, किसी जो लिटिल बिट वर्क होता है उसके लिए बाहर गई है। मिसेलियस, ये मिसेलियस वर्क को लेकर, किसी छोटे मोटे काम को लेकर बाहर गई है। नो मैटर आई सेड आई वेट फॉर हर, नैरेटर सेड कोई बात नहीं है, मैं इंतजार करूंगी आपकी मम्मी का। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पासेस, फिर प्रोटैगनिस्ट थी उस लड़की के साथ साथ, जो रास्ता था उसमें गई, गलियारे में गई, कॉरिडोर में गई। एंड ओल्ड फैशन आयरन हनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू मिरर, क्या था, एक पुराने फैशन का हनुका, हनुका मीन्स हनुका कैंडल होल्डर। हनुका ये एक फेस्टिवल है, हेब्रू फेस्टिवल है, और ये एक फीस्ट ऑफ लाइट्स होती है, इसमें काफ़ी लाइटें जलाई जाती हैं इस पर। तो उस अवसर पर जलाया जाने यूज़ किया जाने वाला एक कैंडल होल्डर था, मोमबत्ती दान जिसको बोले, हंग नेक्स्ट टू मिरर, वो एक मिरर के साथ टंगा हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक। एंड द गर्ल टोल्ड हर दैट दे नेवर यूज्ड इट, वे इसका कभी प्रयोग नहीं करते क्योंकि यह मैनेज करना काफी मुश्किल होता है इन कंपेरिजन टू ए सिंगल कैंडल स्टिक। यदि कोई सिंगल मोमबत्ती दान हो, सिंगल मोमबत्ती हो, उसकी बजाय इस हनुका कैंडल होल्डर को मैनेज करना मुश्किल होता है उनके लिए, इसलिए वो इसका प्रयोग कम ही करते हैं और न के बराबर करते हैं, कभी नहीं किया उन्होंने, दे नेवर यूज इट। वॉन्ट यू सिट डाउन, आस्क द गर्ल, लड़की ने पूछा आप बैठोगी नहीं, नैरेटर से प्रोटैगनिस्ट से पूछा, वॉन्ट यू सिट डाउन, आप बैठोगी नहीं। She held open the door of the living room and I went inside past her. उसने दरवाजे को खोल के रखा, लिविंग रूम के दरवाजे को खोल के रखा, एंड आई वेंट इन साइड पास्ट हर, और मैं उसके पास से गुजरती हुई अंदर चली गई।
Yes, the protagonist entered the living room. I stopped horrified. And at one moment she stopped. वो रुक गई horrified. She was horrified. वह मिस डर गई सहम गई. Why? I was in a room. I knew and did not know. क्योंकि मैं अब एक ऐसे कमरे में थी जिसके बारे में मैं जानती थी एंड डिड नॉट नो और नहीं भी जानती थी. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स आई डिडंट वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोस्फियर. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स मैंने अपने आप को उन चीजों के बीच पाया. In the middle of those things, I did want to see again, जिनको मैं दोबारा देखना चाहती थी. But which oppressed me, लेकिन ये चीजें burden me in the strange atmosphere, उस weird atmosphere में मेरे ऊपर oppressed means burden डाल रही थी, बोझ बन रही थी मेरे ऊपर. और because of the tasteless way everything was arranged, हो सकता है इस कारण से कि जिस बेतरतीब ढंग से वो उनको लगा रखा था अरेंज कर रखा था बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर या फिर जो फर्नीचर उस रूम का था वो अच्छा नहीं था और द मग्गी स्मेल दैट हंग देयर या फिर जो ह्यूमिड स्मेल जो वहां पे आ रही थी नमी वाली जो स्मेल वहां पे आ रही थी उस वजह से आई डोंट नो बट आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी मुझे नहीं मालूम क्या बात थी बट आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपनी नजरों को फेर कर देखूं मिस अपने चारों ओर घूम कर देखूं अपनी नजरों को घुमा कर देखूं. द गर्ल मूव्ड अ चेयर लड़की ने एक चेयर लेकर आई. आई सैट डाउन एंड स्टेड एट द वुलन टेबल और मैं बैठ गई एंड स्टेड एट द वुलन टेबल क्लॉथ और जो टेबल क्लॉथ था वुलन टेबल क्लॉथ था उसकी तरफ देखने लग गई एक ऊनी टेबल क्लॉथ की तरफ देखने लग गई. आई रब्ड इट मैंने इस कपड़े को रगड़ा रब किया. माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग जो मेरी उंगलियां थी वो गर्म हो गई इसको रब करने से. माई फिंगर्स गॉट वार्म बट I followed the lines of the pattern. उस woolen टेबल क्लॉथ पे जो पैटर्न बना हुआ था उसकी जो लाइनें थी मैंने उनको अपने हाथ से उनको फॉलो किया उनका पीछा किया कि वो कैसे बने हुए हैं पैटर्न उनकी लाइनें कहाँ तक जाती हैं. I felt the lines of the pattern with my fingers. Somewhere on the edge of there should be a burn mark that had never been repaired. उसने फॉलो इसलिए किया था क्योंकि वो ये जानना चाह रही थी ये चेक करना चाह रही थी कि कहीं ना कहीं ऑन द एज इसके किनारे पर देयर शुड बी अ बर्न मार्क एक जले हुए का निशान होना चाहिए जिसको नैरेटर उसकी मम्मी ने कभी रिपेयर नहीं किया था. माय मदर बी बैक सून सेड द गर्ल लड़की ने कहा कि मेरी मम्मी शीघ्र ही वापस आ जाएगी. आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर मैंने अपनी मम्मी के लिए पहले ही चाय बना रखी है. विल यू हैव अ कप आप लोगी. थैंक यू धन्यवाद कहा नैरेटर ने. हनुक्का द फीस्ट ऑफ लाइट्स ए हैवी फेस्टिवल इन दिसंबर एंड कंबर्शम मीन्स अनमैनेजेबल मिडस्ट मिडल एंड मग्गी ह्यूमिड. I looked up. The girl put cups ready on the tea table. She had a broad back. I looked up. मैंने ऊपर देखा. The girl put cups ready on the tea table. लड़की ने जो चाय की मेज थी उसके ऊपर कप रख दिए थे
प्यार कर दिए थे. शी हैड अ ब्रॉड बैक, उसकी पीठ चौड़ी थी, जस्ट लाइक हर मदर, बिल्कुल उसकी मदर की तरह. शी पोर्ड टी फ्रॉम ए वाइट पॉट, उसने एक शी पोर्ड टी, उसने चाय डाली फ्रॉम ए वाइट पॉट, एक सफेद बर्तन से, केटली वगैरह से. ऑल इट हैड वॉज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, और इस पॉट के, इस बर्तन के जो ढक्कन था उसके बॉर्डर जो था वो सोने का था, गोल्ड बॉर्डर. आई रिमेम्बर, मुझे याद आया कि इसका जो, इसके ढक्कन का जो बॉर्डर है वो गोल्ड है. आई रिमेम्बर सी ओपन ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट. इसी बीच उस गर्ल ने क्या किया, एक संदूक खोली एंड टुक सम स्पून्स आउट, और उसमें से कुछ चमचे निकाली, कुछ चम्मच निकाली. That's a nice box, I heard my own voice. मैंने कहा, means the protagonist complimented the box. उस लड़की ने जब वो box खोला तो उसको compliment किया protagonist ने. I heard my own voice, लेकिन उसको खुद अपनी आवाज सुनाई पड़ी. It was a strange voice, it was a weird voice. उसके लिए आवाज अजीब थी. As though each sound was different in this room, उसे ये आवाज natural नहीं लगी. फैमिलियर सी लगी. एज दो इच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, क्योंकि यद्यपि इस रूम में हर जो आवाज थी वो अलग थी, पहले जैसी नहीं थी. वो यू नो अबाउट दैम, उस गर्ल ने कहा तुम्हें इनके बारे में मालूम है. शी हैड टर्न डाउन एंड ब्रॉट मी माई टी. ओ यू नो अबाउट दैम, तुम इनको जानती हो. सी हैड टर्न्ड राउंड एंड ब्रॉट मी माय टी. वह लड़की मुड़ी और मेरे लिए चाय लेकर आई. शी लाफ्ड, वह हंसने लगी. माय मदर सेज इट इज एंटीक, वो बोली. मेरी मम्मी कहती है कि ये चीजें एंटीक, पुरानी चीजें हैं. वी हैव गॉट लॉट्स मोर, और हमारे पास ये बहुत सी हैं. सी पॉइंटेड डाउन द रूम, उसने कमरे में उन चीजों की तरफ इशारा किया जहां जहां पे वो रखी हुई थी. सी फॉर योर सेल्फ एंड सेड कि तुम खुद ही देख लो इनको. आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड. वो प्रोटैगनिस्ट इज एडमिटिंग दैट कि उसे जो पॉइंटिंग, जो पॉइंट कर रही थी, पॉइंट आउट कर रही थी उन चीजों को, उनको उसके हाथ के इशारे को उसको देखने की जरूरत नहीं थी, उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं थी. एज सी न्यू विच थिंग्स सी मीन्ट, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट जानती थी कि वे किन चीजों की तरफ इशारा कर रही थी, उसका किन चीजों से अभिप्राय था. आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल. मैंने केवल देखा स्टिल लाइफ, जो शांत जो जीवन ठहर गया था उस टी टेबल के ऊपर, उसको देखा. एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन प्यूटर प्लेट. जब जो प्रोटैगनिस्ट एक छोटी बच्ची थी, शी हैड ऑलवेज फैंसीड, तो उसने हमेशा ये सोचा था, ये विस की थी द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, कि वह प्यूटर प्लेट के ऊपर, जो कि एक ग्रे अलॉय ऑफ टीन की प्लेट होती है, उसके ऊपर एप्पल रखकर वो एप्पल खाएगी. वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, सी सेड. लड़की ने कहा हम तो इसको हर चीज के लिए यूज करते हैं, हम इस प्यूटर प्लेट को हर खाने वाली चीज के लिए यूज करते हैं. वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, और एक बार तो हमने उन प्लेटों में भी खाना खाया था, हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, जो वहां पे दीवार पे लटकी हुई है. आई वॉन्टेड टू सो मच, मैं भी उनमें खाना खाना चाहती थी बहुत ज्यादा. बट इट वाजंट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन ये कोई विशेष नहीं था. आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, मैंने वो निशान ढूंढ लिया था जले हुए का टेबल क्लॉथ के ऊपर. प्रोटैगनिस्ट कह रही है कि उसने उस टेबल क्लॉथ के ऊपर, इसी बीच जो उसकी लाइन, जो
उसकी फिंगर्स जो उस पैटर्न की लाइन है वो फॉलो कर रही थी, तो उसके किनारे पर जाके उसे वो जला हुआ निशान मिल गया. सी वॉज एबल टू फाइंड दैट बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ. द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, और उस लड़की ने मीन्स एक पर्सन वाचक ढंग से, एक पूछताछ वाले ढंग से मेरी तरफ देखा. जैसे वो कुछ पूछना चाह रही हो, क्वेश्चन पूछना चाह रही हो. यस आई सेड यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस. तो नैरेटर ने कहा, प्रोटैगनिस्ट ने कहा, हाँ यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर. हाँ आप इन सारी प्यारी चीजों के अपने मकान में छूने के इतने आदि हो जाते हो कि आप उनको और ज्यादा देखते नहीं, उनकी तरफ इतना ध्यान नहीं देते हो. यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग. तुम तो केवल तभी उन चीजों की तरफ नोटिस करते हो, उनकी तरफ ध्यान देते हो जब वो चीजें मिस हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, बिकॉज इट हैज टू बी रिपेयर्ड. क्योंकि इट हैज टू बी रिपेयर्ड, या तो इनको रिपेयर किया जाना होता है, और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल, या फिर आप इनको किसी को उधार दे चुके होते हो, उस केस में इन चीजों को आप नोटिस करते हो, अदरवाइज नॉट. अगेन आई हर्ड द नेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन. फिर से मैंने अपनी जो अननेचुरल साउंड थी वो सुनी, एंड आई वेंट ऑन, और मैंने अपनी बात जारी रखी. आई रिमेम्बर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर. मुझे याद है कि मेरी मम्मी ने एक बार मुझसे पूछा था कि क्या वो मैं उनकी मदद करूंगी जो चांदी के बर्तन हैं उनको पॉलिश करने में. इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल. ये बहुत पहले की बात है, एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड, और नैरेटर कह रहे कि शायद मैं उस दिन बोर हो रही थी, अथवा शायद आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल. मैं बीमार होने की वजह से घर पे थी. एज सी हैड नेवर आस्क मी बिफोर, और वैसे मेरी मम्मी ने पहले कभी नहीं पूछा था मुझे इस तरह के काम के बारे में, पुलिस करने के लिए कभी नहीं कहा था. आई आस्क्ड हर विद सिल्वर सीमेंट, तो मैंने पूछा मम्मी कौन से चांदी के बर्तनों की बात कर रहे हो आप, एंड शी रिप्लाइड सरप्राइज्ड, और मेरी मम्मी ने हैरान होकर उत्तर दिया That it was the spoons, forks and knives, of course. मैं तो जो चम्मच हैं, जो काटे हैं, जो चाकू हैं, उनकी बात कर रही हूँ निश्चित रूप से. And that was the strange thing. और ये एक अजीब चीज थी. I didn't know the cutlery we ate of every day was silver. और protagonist admit कर रही है कि मैं नहीं जानती थी जिस कटलरी आइटम से हम खाते हैं हर रोज खाना वो चांदी के थे. वो चांदी के थे, इस मेटल के थे. द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की फिर से हंसने लग गई. आई बेट यू डोंट नो इट इज ईदर, और उसने कहा कि मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम्हें अब भी नहीं मालूम. आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैंने रातन उस लड़की की तरफ देखा. व्हाट वी एट विद सी आस्क्ड, उसने पूछा बताओ हम किसके साथ खाते हैं, तुम्हें अब भी नहीं मालूम. वेल डू यू नो, खैर तुम जानती हो, लड़की ने कहा. शी हेजिटेटेड, थोड़ी हिचकिचाई. सी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रावर. वह अलमीरा की तरफ गई एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रावर, और उसने उसमें से एक ड्रावर खोलना चाहा. आई लुक इट्स इन हियर, उसने कहा मैं देखती हूँ वो चीजें यहां पे हैं. आई जम्प्ड अप, मैं उछली. The protagonist got startled. I was forgetting the time. क्योंकि narrator थी वो समय भूल रही थी. वो उस conversation में she was forgetting that she had to catch the train back. I must catch my train. और narrator protagonist ने कहा कि मुझे अपनी train पकड़नी है. she had her hand on the driver. उसने अपना हाथ
जो ड्रावर था, दराज था, उसके ऊपर रख रखा था. डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर? और वो मुझसे बोली, प्रोटैगनिस्ट से, कि तुम मेरी मम्मी के लिए इंतजार नहीं करना चाहोगी, नहीं करना चाहती? नो आई मस्ट गो. मैंने कहा नहीं, मुझे जाना होगा. आई वॉक टू द डोर. मैं चल पड़ी दरवाजे की तरफ. द गर्ल पुल्ड द ड्रावर ओपन. लेकिन उस लड़की ने फिर जिस ड्रावर को खोलने जा रहे थे उसको खींच के खोल दिया. आई कैन फाइंड माई ओन वे, उसने कहा. आई कैन फाइंड माई ओन वे, ठीक है मैं देख लेती हूँ. एज आई वॉक डाउन द पासेस आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स. जब मैं चलने लगी गलियारे में तो मैंने सुनाई पड़ी द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स. जो चम्मच और जो चाकू थे, काटे थे, उनके खनकने की आवाज मुझे सुनाई पड़ी. एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट. और रोड के कोने में मैंने, रोड के कोने पर जाकर मैंने देखा नेम प्लेट की तरफ. मार्कोनी स्ट्रीट इट सैट. इस पर लिखा हुआ था मार्कोनी स्ट्रीट. आई हैड बीन एट नंबर 46. और मैं किस मकान नंबर में गई थी? 46 मकान नंबर में मैंने विजिट की थी अभी. द एड्रेस वॉज करेक्ट. इसका मतलब जो पता था वो बिल्कुल ठीक था. बट नाउ आई डिडंट वॉन्ट टू रिमेम्बर इट एनी मोर. लेकिन अब मैं इस पते को और ज्यादा याद नहीं रखना चाहती थी. आई वुडंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू व्हेन सीवियर फ्रॉम देम यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स. लेकिन अब मैं उनको याद करना नहीं चाहती थी. मैं उस पते पर वापस नहीं जाऊंगी क्योंकि जो चीजें थी जो कि आपकी यादों से जुड़ी हुई हैं, आपकी परिचित जीवन की, पहले वाले समय के परिचित जीवन की यादों से जुड़ी हुई हैं, वो अपनी जो कीमत है वो खो देती हैं तुरंत ही. सीवर्ड फ्रॉम देम, जब आपका उनसे, आपको उनसे अलग कर दिया जाता है. यू सी देम अगेन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स. और आप उनको दोबारा से किसी अजीब सराउंडिंग में, अजीब एटमोस्फियर में आप उनको देखते हो. एंड वट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम. और मैं करती भी क्या हूं? मैंने सोचा मैं क्या करूंगी इनका अपने छोटे से किराए के कमरे में. वेयर द स्लैड्स ऑफ ब्लैक पेपर, ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलोंग द विंडोज. जहां पे खिड़कियों के साथ साथ अभी भी ब्लैक आउट पेपर, काले पेपर लटके हुए हैं. एंड नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रावर. और जहां की जो टेबल की दराज है उसमें, उस छोटी सी दराज में मेरे पास कुछ एक मुट्ठी भर कटलरी आइटम्स रखे हुए हैं. उसमें इतने सारे कटलरी आइटम मैं कहां रख पाती. आई रिजोल्व टू फॉरगेट द एड्रेस. तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस एड्रेस को, सी डिटरमाइंड, सी मेड हर माइंड दैट शी वुड फॉरगेट द एड्रेस. उसने अपना मन बना लिया कि वह इस पते को भूल जाएगी. ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द इजिएस्ट. जो सारी चीजें मुझे भूलनी पड़ी उसमें दैट वुड बी द इजिएस्ट मुझे भूलनी थी, उसमें ये पता भूलना सबसे आसान था. बिकॉज दैट एड्रेस डिड नॉट बिलोंग टू मी. ये एड्रेस कोई मुझसे बिलोंग नहीं करता था. बट द थिंग्स केप्ट ऑन दैट एड्रेस बिलोंग टू मी एंड माय फॉर्मर लाइफ. सो इसलिए उन चीजों को भुलाने की बजाय इस पते को भूलना आसान था. एंड अल्टीमेटली शी कुड फॉरगेट द थिंग्स एज वेल लेटर. So with this chapter is over. Jingling means ringing sound. So students, I hope you have understood this chapter. You will watch this video and read this chapter from your text. Thank you. Bye.